नमस्ते एंड वेलकम बैक टू योर एंड आवर चैनल समाप्ति एक्सप्लोर। तो दोस्तों आज है फ्राइडे और मैं सुबह सुबह आ गई थोड़ा सा अच्छा वाला खाना बनाने के लिए, क्योंकि वीकेंड है और अच्छा खाना होना घर पे ज़रूरी अच्छा लगता है। तो घर पे पड़ा हुआ है मूली, और एक्चुअली मूली हम लोग मकर संक्रांति के बाद हम लोग मूली ज़्यादा खाते नहीं है, लेकिन हस्बैंड ले आए तो फेंकना नहीं है, तो सोचा पराठा बना दूँ। और मूली को मैंने ऐसे अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया और इसका छिलका निकाल के, और इस तरफ देखिए छोटे को, जब मम्मी कुछ खाना बना रही है वो लोग ये चांस को ढूंढते, अभी मम्मी कुछ बोल नहीं पाएगी तो अच्छे से वो पानी से खेल सकता है। ये पानी के साथ खेलना अभी उसको बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी एक तरफ इसे ठंड कम नहीं हो रहा है, उसका सर्दी खांसी कम नहीं होता है, इस तरफ इसको पानी से खेलना है। तो मैंने प्याज और जिंका कोरिएंडर लीफ को अच्छे से चॉप कर लिया, उसको ग्राइंड नहीं किया, और आटे में मैंने थोड़ा सा हल्दी नमक, जो जैसे पराठा का आटा गूंथते उसमें थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल दिया, हेल्दी ऑप्शन पता नहीं क्या हेल्दी ऑप्शन, इस तरफ पराठा इस तरफ हेल्दी ऑप्शन, कोई बात नहीं चलो हेल्दी ही है, नहीं ग्रीन वेजिटेबल बहुत ज़्यादा है इसमें, सब्जी है। तो मैंने सारा कुछ देखे, गून रही हूँ आटा, थोड़ा थोड़ा पानी देखे। अभी चारों तरफ एग्ज़ाम के माहौल है, बोर्ड की एग्ज़ाम, 10th 12th की एग्ज़ाम, इस तरफ का क्लासेस की एग्ज़ाम, तो सारे बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और इस तरफ ना मैंने कल रात को जो दूध का ना एक्सपायरी डेट नज़दीक आ गया, तो मैंने सोचा इसको छेना काट के रख देती हूँ, फिर आज सोचूँ छेना भुर्जी बना दूँगी, तो पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा जीरा और हींग की छौंक लगा के प्याज डाल दिया, उसमें थोड़ा सा गार्लिक चॉप करके डाला, और लाल टमाटर, और उसके बाद डालूंगी लाल शिमला मिर्च है घर में पड़ा हुआ तो वो भी थोड़ा सा डाल दूंगी, तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा लगता है। मेरा एक्चुअली शिमला मिर्च ऐसे भी अच्छा लगता है, मैं कच्चा भी खाती हूँ, मुझे पसंद है। ये रहा लाल शिमला मिर्च, डाल के अच्छे से भून लूँगी, और नॉर्मल जो मसाला है ग्रीन चिली भी डाला, हल्दी नमक जीरा, और लास्ट में थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल के अभी पनीर मिला दूंगी, और लास्ट में थोड़ा सा कसूरी मेथी और धनिया का पत्ता भी मैं डालूंगी, तो बहुत अच्छा लगता है ये पनीर भुर्जी। और छेने का जो दूध का दूध भी काम पे आ गया, और इस तरफ देखिए मेरे घर पे बात हो रहा है, मेरे ननंद है यहाँ पे बॉटम पे, तो यही मेरा काम के साथ उन लोगों के साथ बात करना भी हो जाता है, क्योंकि ऐसे बैठ के टाइम नहीं मिलता है मुझे बात करने का, और क्योंकि छोटू भी है और उसके साथ भी बहुत ज़्यादा मुझे टाइम देना पड़ता है। तो पनीर भुर्जी भी देखिए लगभग तैयार हो गया, इस तरफ पराठा भी तैयार हो गया। अभी मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, घी नहीं डालती हूँ, मैं ऑयल ही डालती हूँ। सुबह का नाश्ता हो गया, तो चलो मेरे पौधे को थोड़ा सा पानी देके आती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। मेरा एलोवेरा जो इंडिया से मैं लाई थी, पापा ने देके दिया था, बहुत अच्छे से हो गई। यहाँ पे चार पौधा था, दो खराब हो गया, ये देखिए एलोवेरा छोटा छोटा पौधा पता नहीं कहाँ से निकल रहा है, मुझे लग रहा है रूट से निकलता है, तो ये देख के मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे मेरा ज़्यादा पौधा नहीं है ना, एक दो पौधा ही है। ये देखिए कितने सारे छोटे 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 पौधा हुए, मैं यहाँ से लेके ना मैंने बालों पर भी यूज़ किया, फेस पे भी यूज़ करती है, और मनी प्लांट भी इंडिया का ही है, वो भी उग चुका है। और ये देखिए मैंने ना ये करियंडर का जो रूट मिला था मैं यहाँ पे लगा के रखा, पता नहीं होगा कि नहीं, मैं भी पानी वानी दे रही हूँ, देखती हूँ होता है कि नहीं। तो चलो मैंने दोपहर का भी खाने का थोड़ा बहुत तैयारी कर लिया। यहाँ पे वेदर एक्चुअली छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा ख़राब ही है, और इस बार का वेदर इतना ज़्यादा ख़राब है ना, जिसको भी पकड़ रहा है ना, कम ही नहीं हो रहा है, हमारे घर में तो वही हो रहा है। और ये देखिए मैंने ये दाल पकौड़ा बना लिया, ये मसूर दाल की पकौड़ा है, मैं आलू के साथ इसका सब्ज़ी बनाती हूँ। और इस तरफ आज बनाऊंगी फ़िश पातोरी, बहुत दिनों से मेरा मन हो रहा है। एक्चुअली केले का पत्ता लाए थे हम लोग, लेकिन केले का पत्ता ना बनाने के चक्कर में मेरा रह जा रहा है, कभी किसी प्रॉब्लम किसी न किसी वजह से, तो आज सोचा मैं बना ही देती हूँ। इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिल्ली और प्याज है, तो मैंने सारा कुछ फिश में डाल दिया। इसमें डालूंगी मस्टर्ड ऑयल, जो मेन इंग्रेडिएंट्स है इस पतोरी की, क्योंकि पतोरी मस्टर्ड ऑयल के बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हल्दी नमक, थोड़ा सा मैंने जीरा डाला और ग्रीन चिल्ली डाला, क्योंकि बच्चे तो वो खाएंगे नहीं, हम बड़े के लिए है तो आराम से चिल्ली डाल सकते हैं। और ये रहा कोरिएंडर लीफ, मैंने मेरे तरीके से बना रही हूँ, और ये एक पत्ता ना इसका ख़राब हो चुका है, तो मैंने इसका जो बीच का पोर्शन है वो ले लिया ये बांधने के लिए, तो मैं इसका से धागे की तरह मैं निकाल रही हूँ।
और ये देखिए पाता पत्ता जो है ना ये थोड़ा सा येलो हो गया, कोई बात नहीं इसी से काम हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा धो के टिश्यू से पोंछ डाला और इसमें लगा रही हूँ थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल लगा के मैं थोड़ा सा ना आग में सेक लूँगी, तो ये सेकने के बाद इसमें मैं फिश डालूँगी। मेरा सेकना हो गया, अभी मैंने फ़िश को यहाँ पे प्लेस कर दिया। और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ पतोरी में, इसमें मैंने डाला थोड़ा सा ग्रीन टमाटर जो कच्चा वाला टमाटर है, क्योंकि इसमें ना बहुत खट्टा खट्टा अच्छा लगता है, और ग्रीन चिली, ऊपर से थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के मैं अच्छे से बांध दूँगी। जो धागा मैंने यहाँ से निकाला है कले के पत्ते से, उसी से बांध दूँगी। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल देके उस पत्ते को प्लेस कर दिया। अभी 15-20 मिनट्स के बाद मैंने एक बार पलट दिया, लेकिन मुझे लग रहा है मेरे पत्ता थोड़ा सा फट गया, इसलिए थोड़ा सा ऑयल निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से मैंने इसको पलट दिया है। तो 15-20 मिनट्स लगता है नियर अबाउट। ये देखिए मेरा हो गया है पतोरी। एक्चुअली ये पत्ते में बनाते हैं इसलिए इसको पतोरी बोलते हैं। तो चलो हम लोग फटाफट लंच करके निकल जाते हैं, थोड़ा सा घूम के फटाफट आ जाएंगे। तो हमारा खाना बना हो चुका है, हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग आ गए कॉर्निश रोड पे। और ये देखिए कॉर्निश रोड जाने से पहले इस लाइट पोस्ट जो रात को बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है, इसमें लिखा हुआ है कुरान की फेसेस, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। रात को ना लाइट चलने के बाद समझ में नहीं आता है। और ये देखिए ये है कतार की मिनिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग, इसके सामने ये वर्ल्ड कप के टाइम पे ये शुरू हुआ था, कुआ कैमल वाक, जो कैमल यहाँ का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एनिमल है। एक्चुअली मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं ये दोहा कॉर्निश क्या है। एक्चुअली कॉर्निश है एक उपसागर है, लेकिन यहाँ की कॉर्निश जो है वो आर्टिफिशियल उपसागर है, इन लोगों ने समुंदर से काट के एक जलाशय बनाया हुआ है, और इसके चारों तरफ ये रोड है, और इसी रोड को ही कॉर्निश रोड बोलते हैं। और इस रोड एक्चुअली हमारा जैसे इंडिया गेट का जो रास्ता होता है ना, जितना भी हमारा नेशनल डे हो गया, बड़े बड़े प्रोग्राम जो है वहाँ पे सेलिब्रेट होता है ना, सेम ये दोहा कॉर्निश है, ऐसे ही दोहा की इंडिया गेट। तो इस रोड को इतने अच्छे से डेकोरेशन करने का मतलब वही है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल डे भी सेलिब्रेट होगा, यहाँ पे ईद की भी फायरवर्क्स होता है, कोई भी स्पोर्ट्स की सेलिब्रेशन होता है, जैसे अभी अभी फीफा होके गया है ना, तब जैसे 30 डे जितने दिन फीफा चला शुरू से लास्ट दिन तक, यहाँ पे हर दिन फायरवर्क्स हुआ, हर दिन स्ट्रीट प्रोग्राम हुआ। तो इस चीज़ को तो इस जगह को तो अच्छे से डेकोरेशन करना ही चाहिए। और जगह जगह पे उन लोगों ने बहुत सारे चीज़ ऐसे बना के रखा है जो टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और जगह जगह पे रेस्टोरेंट, बोटिंग के लिए प्लेसेस, लोग यहाँ पे आते हैं वो जॉगिंग करने के लिए, पिकनिक करने के लिए, बोटिंग करने के लिए, सारा कुछ इसी, ये देखिए पार्ल मोनूमेंट दोहा कॉर्निश रोड पे है। और ये नियर अबाउट 7 किलोमीटर लॉन्ग है, डिस्टेंस है, लॉन्ग है। तो और जैसे फायरवर्क्स करने के लिए आपको एक बड़ा सा जगह चाहिए, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट, और इसलिए जैसे ऑपोजिट साइड से ये फायरवर्क्स करते हैं ना, तो लोगों को कोई परेशानी नहीं होती, लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेशनल डे सेलिब्रेट होगा तो शेख आके बैठेंगे, ये जो स्टेडियम दिख रहा है ना, यहाँ पे शेख बैठते हैं। मैं नेशनल डे का भी एक वीडियो यहाँ पे शेयर किया है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी अभी टेनिस की टूर्नामेंट होगा, तो टेनिस प्लेयर की फ़ोटोज़ भी इस पिलर में लगाया हुआ है। और इस तरफ से देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे जो लाइट वगैरह में लिखा हुआ है कनेक्ट, डिस्कवर, ये देखिए डॉल्फिन, और एक बहुत सारा खूबसूरत खूबसूरत स्कल्पचर उन लोगों ने बना के रखा है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, और इस जगह को खूबसूरत बनाने के लिए। हम जैसे हमारे घर के ड्राइंग रूम को बहुत अच्छे से सजा के रखते हैं, क्योंकि कोई भी हमारे घर में आते हैं तो पहले ड्राइंग रूम में आते हैं, सेम वही चीज़ है दोहा कॉर्निश, क्योंकि जितना भी बड़े बड़े प्रोग्राम होगा तो इस जगह पे होगा, तो लोग इसी जगह पे आएंगे, तो इस जगह को तो डेकोरेशन करना बनता ही है। आगे चल के मैं दिखाती हूँ एक बढ़िया सा हैंड कल्चर जो एंटी करप्शन कल्चर है। तो यहाँ पे अभी अभी कतार को एंटी करप्शन कंट्री डिक्लेयर कर दिया
गया है। तो इसके लिए ये जो हैंड है ये बनाया है, और इस हैंड में जितने सारे शेप्स हैं ना, ये सारे कंट्रीज़ की, दुनिया भर के कंट्रीज़ के रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दर्शा रहा है कि हमें ये जो डिजीज़ है, करप्शन जैसे डिजीज़ के खिलाफ हमें एक साथ होकर लड़ना है। तो दोस्तों, हम लोग देखते देखते लास्ट तक आ गए, और यहाँ से हम लोग पियेंगे चाय, और वीडियो को भी यहीं पर एंड करते। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।